हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 सोशल साइंस का 20th चैप्टर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। तो दोस्तों, हम ये चैप्टर में भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। अब भारत का जो सोशल प्रॉब्लम है या चैलेंजेस है, वो शुरू होता है कास्टिज्म से। कास्टिज्म आ गया या रिलीजियस डिफरेंसेस आ गया, उससे शुरू करके हम टेररिज्म तक के जो जो प्रॉब्लम इंडिया के सोशल फैब्रिक्स पे देखे जाते हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और क्यों हमें इससे लड़ना है, क्यों हमें इससे ऊपर उठना है, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। तो सबसे पहला टॉपिक है कास्टिज्म, यानी कि जातिवाद। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन कास्टिज्म। तो भारत की जो सामाजिक संरचना है, यानी कि भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो जातिवाद पे आधारित है। अर्लियर द डिविजन्स इन सोसाइटी वर नॉट कॉल्ड कास्ट बट क्लास, यानी कि वर्ण। तो पहले समाज में जो विभाजन था, यानी कि सोसाइटी का जो डिविजन था, वो कास्ट यानी कि जाति के आधार पे नहीं था, पर वो क्लास यानी कि वर्ण के आधार पे था, और इसीलिए उसको बोला जाता था वर्ण व्यवस्था। They were based on division of labor or occupation. तो पहले सामाजिक बंटवारा जो था, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर बटा हुआ था, वो जाति के ऊपर नहीं था, पर वर्ण के ऊपर था, और वहां पे वो वर्ण यानी कि क्लास कैसे डिसाइड किया जाता था। तो क्लास को डिसाइड करने के लिए लेबर या ऑक्यूपेशन, यानी कि कौन सा व्यवसाय आप कर रहे हो या कैसे लेबर कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होता था। अच्छा, चलिए बात करते हैं ये वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण सिस्टम कैसे काम करता था। द वर्ण सिस्टम इंक्लूडेड द ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्रस। तो ये जो वर्ण सिस्टम था, वो चार हिस्सों में डिवाइडेड था, जहां हायरार्की में आप बाजू के पिक्चर में भी देख सकते हो, हायरार्की में सबसे ऊपर था ब्राह्मण, यानी कि पीपल हु इम्पार्ट नॉलेज और डीलिंग विद द नॉलेज। ऐसे लोग जो ज्ञान का प्रसार प्रचार करते थे, जिनको ज्ञान से ही लेना देना था, वो सारे ब्राह्मण्स कहलाते। फिर आता है क्षत्रिय, जो कि वॉरियर्स है, जिनका काम प्रोटेक्टर का होता है, जो समाज की रक्षा करता है। वैश्यस, जो अलग अलग ट्रेड्स यानी कि बिजनेस से रिलेटेड थे, एंड शूद्रस, जो कि लेबर क्लास था। ऑल ऑफ देम हैड डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, और इन सभी का अलग अलग फंक्शन यानी कि काम भी रहता था। अच्छा, अब ये एक पुरानी मान्यता के हिसाब से ये चार के चार वर्ण, यानी ब्राह्मण ले लो, क्षत्रिय ले लो, वैश्य या शूद्रस ले लो, ये सारे वर्ण का उत्पत्ति हुआ था लॉर्ड ब्रह्मा से। और यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, सबसे ऊपर यानी कि सबसे ऊपरी हिस्से से इजाद हुआ था ब्राह्मण, जिसको आप प्रीस्ट पुजारी भी बोल सकते हो, क्षत्रिय यानी वॉरियर्स, यहाँ पे ये सारी चीज लिखी हुई है, एंड पीजेंट यानी कि कॉमन पीपल हु बिलोंग टू द बेज वर्ण, व्हाट यू कॉल इट, शूद्रस। आगे देखते हैं। एज टाइम्स पास्ड, द एंट्री इन टू अ वर्ण वॉज बाय बर्थ एंड नॉट वर्क, सो द फर्स्ट थ्री वर्णस वर इकोनॉमिकली वेल ऑफ, वाइल द शूद्रस, आई मीन द बेज वर्ण, रिमेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड बिकेम पुअर एंड सफर अनटचेबिलिटी। अब देखो, आगे हमने देखा कि ये वर्ण का जो बंटवारा था, यानी कि ये डिविजन था, ये लेबर के आधार पे था, ये ऑक्यूपेशन के आधार पे था, व्यवसाय के आधार पे था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इसका कनेक्शन यानी कि वर्ण का जो बंटवारा, आप कौन से वर्ण से बिलोंग करते हो, वो आपसे आपके कर्म के बजाय आपके जन्म से डिसाइड होने लगा। और इसीलिए हुआ क्या कि जो हायरार्की में ऊपर के तीन वर्ण है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, ये तीन वर्ण ये आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद यानी समृद्ध होने लगे,
और जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि जो लेबर, जो मीनियल जॉब करते थे, जिसको पीजेंट भी बोला जाता था, वो शूद्र वर्ण वाले लोग, वो आर्थिक तौर पे पीछे रह गए, वो गरीब रह गए। और इतना ही नहीं, वो समय के चलते चलते अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का भी शिकार हुए। आफ्टर इंडिपेंडेंस दे वर गिवन इक्वल फंडामेंटल राइट्स एंड स्पेशल फैसिलिटीज एज दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज द स्केड्यूल कास्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पर 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो उसके बाद इनको समान मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए। और इतना ही नहीं, इनको विशेष सुविधाएं भी प्राप्त करवाई गई संविधान के चलते, और उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता मिली। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो नीचे वाला वर्ण था, यानी शूद्र था, जो बेज वर्ण माना जाता था, और जिनके साथ इकोनॉमिकली इनजस्टिस हुआ था, वो पीछे ही रह गए आर्थिक रूप से, उनको संविधान में एक विशेष अधिकार दिया गया और इनको SC यानी कि अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया। तो हमने देखा ये स्केड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति को संविधान में विशेष अधिकार दिया गया इंडिपेंडेंस के टाइम। दोज पीपल हु हैव रिमेन बैकवर्ड फाइनेंशियली एंड सोशली हैव बीन स्केड्यूल इनटू अ लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से बिछड़े हुए थे या पीछे रह गए थे, उन्हें राष्ट्रपति के आदेश के मुताबिक संविधान में एक सूची, एक लिस्ट में शामिल किया गया। और वो सूची, यानी कि वो सूची आप बोलो या अनुसूची बोलो, जिसको आप आर्टिकल बोल सकते हो, वो था 341। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341, दोज कास्ट इंक्लूडेड इन दिस स्केड्यूल आर स्केड्यूल कास्ट। तो अनुच्छेद 341, यानी कि आर्टिकल 341 के हिसाब से यहाँ पे सारी अनुसूचित जातियों का लिस्ट दिया गया है। तो स्केड्यूल कास्ट, अगेन SC, वो आता है अंडर आर्टिकल 341। और बेसिकली ये ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली एज वेल एज सोशली बैकवर्ड है। पीछे देखा हमने स्केड्यूल कास्ट, अब आता है स्केड्यूल ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजाति। वो था अनुसूचित जाति SC, और ये है ST। यहाँ पे स्टेट ट्रांसपोर्टेशन बस नहीं है, ST का मतलब है स्केड्यूल ट्राइब। पीपल हु लिव मोस्टली इन द फॉरेस्ट एरियाज एंड माउंटेनियस रीजियंस आर इंक्लूडेड अमंग स्केड्यूल ट्राइब। तो अनुसूचित जनजाति में शामिल लोग ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि जंगल विस्तार में रहते हैं। दे लिव इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड हैव अ यूनिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ कंपेयर टू अदर्स। और ये खास तरीके के भौगोलिक वातावरण में रहते हैं, और इसीलिए इनका सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन दूसरे लोगों की कंपेयर में काफी अलग होता है। तो इनका आइडेंटिटी है इनका सोशल एंड कल्चरल लाइफ, और ये लोग ज्यादातर माउंटेनियस या फॉरेस्ट रीजियंस में रहते हैं। दिस पीपल आर इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो ये लोग SC यानी कि अनुसूचित जाति की तरह ही ये ST वाले लोग भी इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342, दोज ट्राइब्स इंक्लूडेड इन दिस स्केड्यूल आर कॉल्ड स्केड्यूल ट्राइब्स। अच्छा, SC यानी कि अनुसूचित जाति SC को इंक्लूड किया था आर्टिकल 341 में, वेयरएज आर्टिकल 342 में ST लोगों को इंक्लूड किया गया है। अब ये दोनों SC एंड ST दोनों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर इकोनॉमिकली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड प्रोविजंस टू प्रिवेंट द एक्सप्लोटेशन ऑफ बोथ स्केड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स टू सी दैट दे प्रोग्रेस सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली। तो संविधान ने ये अनुसूचित जाति यानी कि SC एंड अनुसूचित जनजाति यानी कि ST लोगों को विशेष अधिकार दिए, ताकि ये सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनैतिक तौर पे
या शैक्षणिक तौर पे आगे बढ़ सके, क्योंकि ये चार सेक्शन में ये लोग पहले से पीछे थे, तो इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सविशेष अधिकार ये दोनों एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को दिए। नाउ जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी पीपल। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी लोगों के कल्याण के लिए संवैधानिक क्या प्राविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से प्रोविजन दिए हैं। फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी द फॉलोइंग जनरल प्रोविजंस आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बंधारण में निम्नलिखित प्रोविजंस दिए हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिस्ट्रिक्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कम्युनिटी, कास्ट फॉर एंटरिंग शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, और यूजिंग वेल्स, लेक्स, रोड्स, और फॉर यूजिंग प्लेसेस डेडिकेटेड फॉर पब्लिक यूज कंप्लीटली और पार्शियली अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो आर्टिकल 15 है ये दिखाता है कि किसी भी कोई भी प्रकार के लोग को धर्म एवं कम्युनिटी जाति के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्पेशली इनको दुकान या सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के जगहों पे जाने से आप मना नहीं कर सकते। इनको कुएं, झील, सड़कों का उपयोग करने से भी आप रोक नहीं सकते। तो ये विशेष अधिकार आर्टिकल 15 ने दे के रखा है एससी एंड एसटी कैटेगरी वाले लोगों को, कि ज्यादातर ये जो जाहिर स्थल है जैसे कोई शॉप है या रेस्टोरेंट है, पब्लिक होटल है या पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस है, जैसे आप थिएटर ले लो या कोई मूवी प्लेक्स ले लो, या जाहिर जगह जैसे स्कूल ले लो, या रोड का इस्तेमाल या कुएं का इस्तेमाल करने से आप एसटी और एससी कैटेगरी के लोगों को रोक नहीं सकते। अगेन आप याद रखो आर्टिकल 341 वहां पे डिफाइन किया गया है कि एससी यानी कि अनुसूचित जाति में कौन कौन से लोग आते हैं, और 342 आर्टिकल वहां पे एसटी। एसटी का कनेक्शन फॉरेस्ट से है, माउंटेनियस रीजियन से है, जिनका सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिफिकेशन यूनिक होता है, और एससी वाले लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम होता है अनटचेबिलिटी का। तो आर्टिकल 15 ये दोनों एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को एम्पावर करता है पब्लिक प्लेसेस को यूज करने के लिए। अब आर्टिकल 15 के बाद आता है आर्टिकल 29। तो ये क्या कहता है, इफ अ पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चरल सेटअप ऑफ हिज ओन, ही हैज द राइट टू प्रिजर्व देम। यदि भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की भाषा, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट या सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखना चाहता है, तो उसको संचित करना, उसको प्रिजर्व करना, ये उसका अधिकार है। अ पर्सन विल नॉट बी रिफ्यूज एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, लैंग्वेज टू एनी इंस्टीट्यूशन रन एंड मेंटेन विद फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई संस्था को फाइनेंशियल हेल्प मिलता है या गवर्नमेंट उसको मेंटेन करता है, तो ऐसी संस्था में धर्म या जाति या भाषा के आधार पे आप बंटवारा करके किसी व्यक्ति को अंदर जाने से रोक नहीं सकते। तो ये आर्टिकल 29 इनको पावर देता है। आर्टिकल 15 कौन सा पावर देता था एसटी एससी कैटेगरी के लोगों को, तो ये जाहिर जगहों पे यानी कि पब्लिक प्लेसेस पे या एंटरटेनमेंट वाली प्लेसेस पे जा सकते हैं, और कुएं वगैरह जैसी चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो यूनिक आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी ले लो या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ले लो, तो उसको प्रिजर्व करने का अधिकार रखता है। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट में ये लोग बिंदास जा सकते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। फिर आता है स्पेशल प्रोविजंस। अभी तक हमने देखा जनरल प्रोविजन। स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखो, ये दोनों में से एक
क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एससी और एसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए स्पेशल प्रोविजन, अगर स्पेशल प्रोविजन नहीं आता तो जनरल प्रोविजन आता है। अगर जनरल प्रोविजन आता है तो वहां पे आर्टिकल 29 एंड आपको 15 का मेंशन करना है, वेर एज यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन में आर्टिकल 46 और बाकी का जो है वो हम आगे देखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक आप जरा याद रखो। तो चलिए देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। तो स्पेशल प्रोविजन आता है आर्टिकल 46 के चलते। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अ स्टेट हैज टू टेक केयर ऑफ एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। तो राज्य की जो नीतियां होती है, जो पॉलिसीज होती है स्टेट पॉलिसी, उसमें गवर्नमेंट को ये एंश्योर करना है, ये गवर्नमेंट को ये देखना है कि एससी एंड एसटी कैटेगरी के लोगों का जो आर्थिक हित है वो इंटैक्ट रहे और कहीं ना कहीं उनके साथ सामाजिक तौर पे कोई अन्याय ना हो, वो देखने का जिम्मेवारी हर एक स्टेट का गवर्न यानी कि गवर्नमेंट का रहता है और ये इनको स्टेट पॉलिसी में एंश्योर करना है और इस बात का मेंशन हुआ है आर्टिकल 46 में। तो एससी एंड एसटी कैटेगरी का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें आता था आर्टिकल 46, जहां उनको सोशल इनजस्टिस ना हो वो देखने का काम गवर्नमेंट का है। फिर दूसरा आर्टिकल आता है आर्टिकल 16 पैरा 4, वहां पे बोला जाता है इफ द स्टेट गवर्नमेंट फील्स दैट द बैकवर्ड क्लासेस आर नॉट रिप्रेजेंटेड प्रोपोर्शनेटली इन गवर्नमेंट जॉब्स, दे विल हैव टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर देम। अगर राज्य सरकार को लगता है कि ये जो पिछड़े हुए वर्ग है यानी कि एसटी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनको सरकारी नौकरी में अच्छा खासा काम नहीं मिलता है, तो ये इनका जो रिजर्वेशन है ये बढ़ा भी सकती है। अब मानो कि कोई गवर्नमेंट सेटअप है, वहां पे 10% ही एससी एंड एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए प्रोविजन है, और अगर वो 10% में भी कम है तो गवर्नमेंट इसको बढ़ा के 10 की जगह पे 15 या 20 कर सकती है। ये एंश्योर गवर्नमेंट को ही करना है, क्योंकि वही तो हमारा प्रीवियस आर्टिकल का मेन पॉइंट था कि स्टेट पॉलिसी जब गवर्नमेंट बनाता है तो इनको ये मेक श्योर करना होता है कि जो पिछड़ा हुआ क्लास है उनको सोशल इनजस्टिस ना हो। अच्छा, सोशल इनजस्टिस तभी नहीं होगा जब उनके पास पैसा होगा, वो फाइनेंशियली स्टेबल या डिसेंट होंगे। तो ये है आर्टिकल 16 पैरा 4। देन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 332 एंड 334, सम सीट्स इन विधानसभा एंड लोकसभा आर रिजर्व फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब। There is no reservation in Rajya Sabha. Seats are also reserved for SC and ST in Gram Panchayat and Municipality. तो अनुच्छेद 330 यानी कि आर्टिकल 330, 332 एंड 334 के चलते काफी सारी सीट्स यानी कि कुछ सीटें SC एंड ST कैटेगरी के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं मिलता, तो आरक्षण सिर्फ और सिर्फ विधानसभा लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं। हालांकि इनके एससी एंड एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए ग्राम पंचायत और म्युनिसिपालिटी में भी आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन जरूरी या तो बोल सकते हो कंपलसरी है। अच्छा, तो अभी तक हमने जनरल एंड स्पेशल प्रोविजन देखे एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। अब एससी का जो कनेक्शन अनटचेबिलिटी से सबसे ज्यादा है और इसीलिए इसके लिए आर्टिकल 17 इनके काफी काम आता है। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज इराडिकेटेड। तो आर्टिकल 17 के चलते आप ये बोल सकते हो कि अस्पृश्यता को हमने फेंक दिया है, उसको भगा दिया है, पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड एंड कंसिडर एज अ लीगल पनिशेबल क्राइम। और फिर भी अगर आपको कहीं पे भी अस्पृश्यता दिखता है तो वो प्रोहिबिटेड चीज है, उसका संपूर्ण निषेध है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो या ऐसा करने वाला कानूनी रूप से दंडनीय अपराध के रूप में माना जाएगा, यानी कि आपको
कोर्ट ऑफ लॉ कोई भी पनिशमेंट दे सकता है आपने अगर अनटचेबिलिटी को ब्रीच किया, यानी कि आपने S3 कैटेगरी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर आता है आर्टिकल 25। यहाँ पे देखो काफी सारे आर्टिकल्स हैं, आप एक एक लाइन में या ये स्लाइड के जो पिक्चर्स है वो ध्यान से याद रखें तो दिक्कतें कम हो सकती है। अच्छा देखते हैं, चलो आर्टिकल 25। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, स्टेट्स आर गिवन राइट टू फ्रेम अ लॉ और कंटिन्यू एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच परमिट्स द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स टू कीप द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ओपन टू ऑल हिंदूज। द वर्ड हिंदू इंक्लूड सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट एंड हिंदूज एंड देयर रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 25 के अनुसार राज्य को ऐसे कानून बनाने का या किसी मौजूदा कानून को जारी रखने का अधिकार दिया गया है जो सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को अनुमति देता है। हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी हिंदू लोगों के लिए खुला रखने की भी अनुमति आर्टिकल 25 देता है। अब यहाँ पे हिंदू का मतलब ऐसा नहीं कि जो हिंदू धर्म का ही पालन करता है, पर ऐसा बंदा जो हिंदुस्तान में रहता है आप उसको बोल सकते हो कि चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी धर्म का हो, पर भारतीय होना चाहिए, उसका मतलब हिंदू है। तो इसको नैरो सेंस में हिंदू यानी कि सिर्फ ऐसा बंदा जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है ऐसा नहीं है, और वैसे इसीलिए हिंदू को नो वाइडली एक्सेप्टेड रिलीजन बोला गया है, जिसको हम टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं सर्वसमावेशक, यानी कि सबको अपने पास जोड़े ऐसा धर्म, उसी को बोला जाता है हिंदू। फिर आता है आर्टिकल 19। सो द आर्टिकल 19 पैराफाई एम्पावर्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ SC ओवर द राइट टू अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट एंड सेटिंग ऑफ पीपल इन एनी रीजियन। तो ये आर्टिकल 19 पैरा 5 राज्य का जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर होता है वो अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के लोगों के हित में किसी भी क्षेत्र यानी कि जगह में लोगों को आने जाने पे प्रतिबंध दिखाती है और उसके साथ साथ उनको विशेष अधिकार भी देती है। और ऐसे लोग जो है वो दे कैन एक्वायर प्रॉपर्टी और कैरी आउट एनी बिजनेस और ट्रेड। ये लोग कोई भी तरीके का प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं या व्यवसाय व्यापार भी कर सकते हैं। सच राइट्स प्रोटेक्ट ट्राइबल्स फ्रॉम एक्सप्लोटेशन। और ऐसे अधिकार ये कैटेगरी के लोग को यानी कि ST कैटेगरी के लोगों को शोषण से बचाते हैं। यानी कि आप कोई ST कैटेगरी का एरिया है तो वहां आप मुंह उठा के चले नहीं जा सकते या यहाँ रह नहीं सकते। गवर्नमेंट मना कर देगी कि भाई आपको नहीं जाना है तो आप वहां पे नहीं जा सकते हो। अब जैसे अंडमान निकोबार में काफी सारे ऐसे नो ST कैटेगरी के लोग हैं, वहां पे कॉमन इंडियन सिविलियन को जाना या इंटरफियर करना अलाउड नहीं है। तो ये विशेष अधिकार इनको देता है आर्टिकल 19 पैरा 5। नाउ नेक्स्ट टॉपिक माइनॉरिटी। माइनॉरिटी यानी लघुमती। आप सीधा कैलकुलेशन ये लगा सकते हो, पीपल हु आर नॉट इन मेजोरिटी आर कॉल्ड माइनॉरिटी। और हकीकत में डेफिनेशन भी ऐसा ही है। देखो द कम्युनिटी ऑफ पीपल हु फॉर्म्स लेस देन हाफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री आर कॉल्ड माइनॉरिटी। ऐसा कम्युनिटी ये देश का जिसका पॉपुलेशन आधे से कम है, यानी कि 50-50 हुआ तो वो इक्वल हो गया। यानी आप ऐसा सिंपल सा कैलकुलेशन, अगर आप 49% कम्युनिटी में आते हो तो वो हो गया माइनॉरिटी, और आप 51 में आते हो तो हो गया मेजोरिटी। इसलिए हुआ ना कि जो मेजोरिटी वाला नहीं है वो है माइनॉरिटी। अच्छा अब आगे देखते हैं कौन कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटी में आती है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड ज्यूज आर सम ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। काफी सारी वैसे तो लघुमती समुदाय है और उसमें से कुछ मुख्य है, मुस्लिम ले लो, ईसाई ले लो, पारसी या यहूदी। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी रिलीजियन, लैंग्वेज और रीजियन। और यहाँ पे
माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ धर्म, प्रदेश या भाषा तक सीमित नहीं है, अलग अलग रूप में आप समुदाय को माइनॉरिटी बोल सकते हो। अच्छा, अब माइनॉरिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स। एट द नेशनल लेवल दे मे बी इन माइनॉरिटी बट इन सम रीजियंस दे मे बी इन मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियंस आर इन मेजोरिटी इन गोवा वेयर एज मुस्लिम्स इन जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये हो सकता है कि कोई कम्युनिटी राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी हो सकती है, पर अगर आप स्पेसिफिक रीजन, कोई स्पेसिफिक जगह की बात करो तो वहां पे वो माइनॉरिटी की जगह मेजोरिटी में भी आ सकती है। अब जैसे हिंदू या क्रिश्चियन जो है यानी कि ईसाई और मुस्लिम है, वो राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि नेशनल लेवल पे वो माइनॉरिटी है, पर अगर आप गोवा में जाओगे तो गोवा में मेजोरिटी ऑफ पीपल वुड बी क्रिश्चियन, यानी कि गोवा में ये लोग मेजोरिटी है, हालांकि राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पे ये लोग माइनॉरिटी में है। सेम वे मुस्लिम्स जो है वो जम्मू कश्मीर में मेजोरिटी में है, फिर भी नेशनल लेवल पे ये माइनॉरिटी में है, तो ये एक गड़बड़ हो सकती है। इन इंडिया माइनॉरिटीज शेयर इक्वल राइट्स विद मेजोरिटी। भारत में माइनॉरिटी जैसे मेजोरिटी के सारे अधिकार है, वो सारे अधिकार प्राप्त करने का हुनर रखती है माइनॉरिटी, यानी कि भारत का संविधान माइनॉरिटी या मेजोरिटी लोगों के अधिकार के बीच कोई भी भेदभाव नहीं रखता। और अगर ऐसा देखा जाए या आप ऐसा कहीं पे देखते हो कि कोई माइनॉरिटी के साथ कोई अन्याय हुआ, तो संविधान के चलते उसको विशेष अधिकार भी दिए हैं। तो वो देखते हैं क्या है माइनॉरिटी के स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट एंड एंकरेज देयर रिलीजियन, लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट। तो भारत के संविधान में धर्म, भाषा, संस्कृति और लिपि की रक्षा के लिए या इनको एनकरेज करने के लिए विशेष अधिकार भी दिए हैं। माइनॉरिटी कमीशन हैज ऑल्सो बिन सेटअप फॉर देयर वेलफेयर, और इनके कल्याण के लिए माइनॉरिटी कमीशन का भी गठन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। तो भारतीय संविधान माइनॉरिटी को कौन कौन से विशेष अधिकार देती है उसके बारे में देखते हैं। संविधान में इनके बारे में क्या क्या विशेष अधिकार या सूचनाएं दी है उसके बारे में देखते हैं। और ये सारे संविधान के जो प्रोजेक्शंस या प्रोविजंस है उसका रीजन कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करना, इनका वेलफेयर करना, इनका प्रोग्रेस करना है, जिससे ये लघुमती के लोगों का विकास हो, इनका कल्याण हो या उनको रक्षण मिले। तो क्या है ये? इसमें पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द इंडियंस। तो भारतीय संविधान सभी भारतीयों को एक समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, यानी कि कोई भी लोगों में कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का वो भेदभाव नहीं करता। देर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजियन, लैंग्वेज और सेक्स, व्हाट यू कॉल इट, जेंडर। समुदाय, जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पे कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। माइनॉरिटीज विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एंजॉय ऑल द फंडामेंटल राइट्स। और माइनॉरिटी के लोग समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और सभी मूलभूत अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। द गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू मेक अ वेलफेयर स्टेट सो दे कैन इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वीकर एंड बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। और सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए यानी कि सुखमय राज्य बनाने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, और वो अधिकार माइनॉरिटी के लोगों के मूलभूत अधिकार की रक्षा करते हैं। ऐसे लोग जो समाज में काफी अशक्त है और जो पिछड़े हुए वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए विशेष अधिकार हर राज्य की सरकार के पास होते हैं। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन गिव्स द सिटीजन्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजियन।
तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या आप जो मन चाहे, आपको हिंदू धर्म फॉलो करना है, मुस्लिम धर्म, तो आप बिना रोक टोक के, बिना रिस्ट्रिक्शन के वो कर सकते हो, और वो आपका फंडामेंटल यानी कि मूलभूत अधिकार है। माइनॉरिटीज आर टू बी टेकन केयर ऑफ इवन इन द 5 years प्लानिंग्स ऑल्सो। तो ये माइनॉरिटी का पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा सविशेष ध्यान दिया जाता है कि इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स, खास प्रकार की योजनाएं भी बनाई जाती है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज बीन सेट अप फॉर द प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड वेलफेयर। इनके अधिकार एवं कल्याण की रक्षा हेतु राष्ट्रीय माइनॉरिटी कमीशन का भी गठन किया गया है। दे कैन स्प्रेड एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजियन बट दे कैन नॉट फोर्सिबली डू रिलीजियस कन्वर्जन्स। ये अपना अपने धर्म का प्रचार और प्रसार बिना रोक टोक के कर सकते हैं, पर ये किसी भी इंसान पर अपने धर्म का फोर्सफुली यानी कि बलपूर्वक उनको अपने धर्म की बात मना नहीं सकते। यानी कि ये अपने स्वतंत्रता का भी रक्षा करता है, धर्म के स्वतंत्रता का, और दूसरों को भी वही स्वतंत्रता प्रदान करने का मौका देती है। Any educational institution taking government grant cannot teach religious teachings and cannot refuse an admission on the basis of religion, race, caste, color or language. तो सरकार से ग्रांट लेती हुई यानी कि फाइनेंशियल हेल्प लेती हुई कोई भी संस्था धार्मिक शिक्षा को एंकरेज नहीं कर सकती, और उसके साथ साथ ही धर्म, नस्ल, जाति, रंग या भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश देने से इनकार भी नहीं कर सकती। माइनॉरिटीज हैव द राइट टू हैव प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एक्टिविटी। माइनॉरिटी को अपनी धार्मिक गतिविधि के लिए संपत्ति खरीदने का भी अधिकार है। यानी कि अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप मॉस्क के लिए, मस्जिद के लिए जगह खरीद सकते हो। आप ईसाई हो तो चर्च के लिए जगह खरीद सकते हो। दे हैव अ राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट, कल्चर एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोटेक्टिंग देयर कल्चर एंड एंकरेजिंग इट्स ग्रोथ। ये अपनी लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था भी चला सकती है। तो वहां पे जैसे आगे मैंने बोला कि आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आप मॉस्क यानी कि मस्जिद के लिए जगह खरीद सकते हो, और वहां पे आप अपने हिसाब से कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति भी कर सकते हो। बस देखना ये है कि आपकी कोई भी एक्टिविटी दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना करे, यानी कि आप अपना सम्मान करो और वैसे ही आप दूसरे लोगों का भी सम्मान करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।